देखिए देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, इकोनॉमी का है, और इस देश का हर युवा चाहता है, भैया शांत हो जाए, इस देश का हर युवा चाहता है कि पढ़ाई के बाद, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के बाद उसे ये देश रोजगार दे पाए। ये आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको ये जवाब देगा कि आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। और हमने प्रधानमंत्री से 3, 4, 5, 6, 10 बार पूछा कि आपने 1.5 घंटे का भाषण किया है, इसमें आप थोड़ा सा 2 मिनट देश के युवाओं को रोजगार के बारे में बता दीजिए, देश के युवाओं को ये बता दीजिए कि आपकी सरकार ने उनको रोजगार दिलवाने के लिए क्या किया। और आपने देखा होगा, युवाओं ने देखा कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए। मेन इशू यही है, और प्रधानमंत्री इसके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते। उससे पहले आपने देखा फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 घंटे का भाषण दिया, उसमें भी रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं था। पहले मेक इन इंडिया की बात होती थी, पहले इकोनॉमी की बात होती थी, 5 ट्रिलियन 6-6 ट्रिलियन पता नहीं कितने ट्रिलियन की बात होती थी, और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके बारे में प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलना। और वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी इसकी बात करेंगे, कभी कांग्रेस की बात करेंगे, कभी जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान, कभी पता नहीं बांग्लादेश। मेन मुद्दे की बात कीजिए प्रधानमंत्री जी, देश के युवाओं को आप बता दीजिए उनके लिए रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए प्रधानमंत्री जी की स्टाइल हिंदुस्तान को डिस्ट्रैक्ट करने की। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 6 साल हो गए, 5.5 साल हो गए, हमने सवाल पूछा, पिछले साल 1 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे।